नमस्कार आदाब, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। कुछ ही दिनों में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस यानी कि मई दिवस मनाया जाएगा और इस उपलक्ष्य में हम आपके लिए एक सीरीज लेके आए हैं जहां हम मजदूर आंदोलन से जुड़े लोगों से बात करते हैं। तो इसी सिलसिले में आज हमारे साथ हैं राजीव डिमरी जी, जो AICCTU के महासचिव हैं। तो राजीव जी, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। तो राजीव जी, पहला सवाल ये है कि जिस तरह हम देख रहे हैं कि लगातार मज़दूरों के जो श्रम कानून हैं उसमें लगातार डाइल्यूशन हो रहा है, उसमें लगातार उनको कमज़ोर किया जा रहा है, तो इस सिलसिले में आप किस तरह देखते हैं कि मजदूर वर्ग की क्या स्थिति है आज? देखिए, जैसा आपने कहा, अभी 3 दिन बाद हम मई दिवस मनाने जा रहे हैं और ये मई दिवस 2018 एक ऐसे समय में हो रहा है जब मोदी सरकार के तहत मजदूर वर्ग अब तक के सबसे बड़े हमले का शिकार है, सबसे बड़ा हमला का सामना कर रहा है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी ये जो मौका है मई दिवस का, इस समय मजदूर वर्ग बहुत गंभीर चुनौतियां का सामना कर रहा है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रहा है, विभिन्न देशों में हो रहा है और हमारे देश में भी हो रहा है कि मजदूरों के तमाम अधिकारों, सुविधाओं, उन्होंने जितनी भी अपने लिए अधिकार और सुविधाएं हासिल की थी अपना खून पसीना देकर, वो आज छीना जा रहा है। अगर हम भारत की तरफ लौटें तो जितने भी श्रम कानून थे उन सभी श्रम कानूनों को 4 कोडों में, 4 लेबर कोड्स में बदल दिया गया है। यानी कि 44 जितने श्रम कानून थे वो आज जो है 4 श्रम कानून रह गए, लेबर कोड्स उनको कहा जा रहा है। उसके तहत जितने भी अलग अलग कानून जो अधिकार दे रहे थे मजदूरों को, वो सारे को एकदम डाइल्यूट कर दिया गया है, या कह सकते हैं रेडुंडेंट बना दिया गया है, उनको एकदम कमज़ोर कर दिया गया है 4 लेबर कोड्स के जरिए। इसके अलावा हम देखेंगे कि विभिन्न किस्म के नए नए कानून लाए जा रहे हैं। जैसे अभी ये फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट है, ये फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट यूनियंस के तमाम विरोध के बावजूद भी, और उनसे सरकार ने कहा कि हम आपसे कंसल्ट करना चाहते हैं, लेकिन बिना हमसे कोई कंसल्ट किए इसको संसद में अभी पिछले बजट सत्र में इसकी घोषणा कर दी कि फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट यानी कि नियत अवधि का जो रोज़गार है दिया जाएगा और ये सभी किस्म के रोज़गारों में इसको लागू किया जाएगा। ये अब तक का सबसे करंट और बड़ा हमला है जो कि पिछली कोई सरकार इसको नहीं कर पाई थी। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट पहले भी वाजपेयी सरकार के समय लाने की कोशिश की गई थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार के समय इनको वापस लेना पड़ा। अभी हम देख रहे हैं कि मोदी सरकार इस कानून को फिर लेकर आ रही है। बेसिकली ये एक स्टैंडिंग ऑर्डर है और इसके ज़रिए जो भी स्थाई नौकरियां थी, रोज़गार था, वो सब भी ख़त्म कर दिए जाएंगे। अभी आपसे 1 साल 1.5 साल 2 साल एक एम्प्लॉयर तय करेगा आपके साथ, इतने समय के लिए आप काम करेंगे, है ना, और उसके बाद आपको छोड़ दिया जाएगा। तब आप ना तो नोटिस की बात कर सकते हैं कि हमें नोटिस नहीं दिया गया, आप कोई सवाल नहीं उठा सकते। राजीव जी, एक बात बताइए, जैसे आपने ये बात करी अभी, ये तो संगठित क्षेत्र के मजदूरों की बात हुई, पर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की क्या स्थिति है? क्योंकि बहुत सारे वो उस दायरे में भी बहुत कम आते हैं जहाँ पर संगठित क्षेत्र के मजदूरों के जो लेबर लॉज हैं, तो और क्योंकि आज हम अगर आंकड़ों की ओर नज़र डालें तो ज़्यादातर लोग असंगठित क्षेत्र के मजदूर ही हैं, तो उनकी क्या स्थिति है आज? देखिए, श्रम कानून जब थे तब भी वो लागू नहीं होते थे, उनको लागू करवाने के लिए यूनियनों को, मजदूर वर्ग को बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती थी। अब आपको एक छोटा सा उदाहरण देंगे, न्यूनतम मजदूरी कानून, ये कहीं लागू नहीं है। जो न्यूनतम मजदूरी दी जा रही है जो कि बेहद कम है, जिसमें कि मजदूर के लिए एक इंसान के रूप में जीवन बसर करना असंभव है, वो मजदूरी भी नहीं दी जा रही है। और ये मजदूरी देना किसका काम है? फैक्ट्री मालिकों का काम है, लेकिन उनसे दिलवाना ये प्रशासन का काम है, लेबर प्रशासन का काम है। दिल्ली जैसी जगह पर भी हम देख रहे हैं कि कोई श्रम कानून लागू नहीं हो रहा है, ना न्यूनतम मजदूरी, और आपने देखा होगा हाल में अभी एक के बाद एक कई आग लगने की फैक्ट्रियों में घटनाएं घटी, उसमें हमने देखा किस तरीके से मजदूरों को दरवाज़ा बंद, फैक्ट्री का गेट बंद बंद करके रखा जाता था, कोई सेफ्टी मैकेनिज्म कोई कुछ लागू नहीं था। तो श्रम कानून पहले से लागू नहीं, और ये श्रम कानून जहाँ तक
संगठित असंगठित सवाल है, तो हम ये कह रहे हैं कि जो सरकार या सरकारें पिछले 25-30 साल से जो नीतियां लागू कर रही हैं, जिसको कि हम LPG की नीतियां, निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीतियां कहते हैं, उन नीतियों के तहत असंगठित संगठित वर्ग, संगठित जो तबका था वो ख़त्म होता जा रहा है, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट खत्म होता जा रहा है। और आज जो ट्रेंड है वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम का इनफॉर्मलाइजेशन हो रहा है, जो फ्यूचर ऑफ वर्क, जो वर्क का फ्यूचर, वो पूरा इनफॉर्मल होता जा रहा है। जबकि बड़ी बड़ी बातें फॉर्मलाइजेशन की जाती हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि पूरा इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स हो रहा है। और आज हमारे देश में कम से कम 98% अगर हम संगठित सेक्टर्स के अंदर भी असंगठित वाला हिस्सा जोड़ लें, जैसे आप मान लीजिए चाहे आप कोल में चले जाइए, स्टील में चले जाइए, किसी पब्लिक सेक्टर में चले जाइए, आज आप देखेंगे कि 50-70% वर्कर वहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट, कैजुअल, आउटसोर्स्ड, इस तरह का, यानी कि वो संगठित जो सेक्टर था वो भी ख़त्म किया जा रहा है। और आज करीब 98% जो वर्कर वर्क फोर्स है हमारे देश की, वो असंगठित वर्क फोर्स है। और असंगठित का मतलब ये है कि लेबर कानूनों के दायरे से बाहर, कानून लेबर जो कानून है, श्रम कानून है, उनके दायरे से वो बाहर थे। यही बेसिकली असंगठित का यही मतलब है, उनको कोई भी कानून की सुविधा नहीं मिलेगी, उनको कोई जो भी कानून है हमारे देश में वो उनके लिए लागू नहीं होते। और अब तो सरकार उन श्रम कानूनों को भी, मान लीजिए एक जो मुखौटा था श्रम कानूनों का, वो भी हटाया जा रहा है। अब श्रम कानूनों को इतना कमज़ोर किया जा रहा है कि उनके होना ना होना का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो इस मामले में अगर आप बात करें कि इस प्रेजेंट सरकार की, पर अगर पिछली सरकार की बात करी जाए, जैसे कांग्रेस की सरकार थी और अभी जो सेंटर में भाजपा की सरकार है, और अगर आपने भी बात करी आम आदमी पार्टी सरकार की, तो इन तीनों अगर पार्टियों को देखा जाए राजनीतिक तौर पर, तो मजदूर वर्ग को लेकर इनकी क्या रवैया रहा है, और अगर आप क्या सिमिलैरिटी दिखती है, क्या डिफरेंस दिखते हैं, अगर आप थोड़ा बता सकें। देखिए, जो पॉलिसीज पिछले 25-30 साल से चल रही हैं, जिसको मैंने कहा LPG की नीतियाँ, उसके मामले में एक पूरा जो हमारे यहाँ जितनी भी आपको पॉलिटिकल पार्टीज नज़र में आती हैं, चाहे कांग्रेस हो, BJP हो, या बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं जो शासन कर रही हैं, मतलब हम ये कह सकते हैं मोटे तौर पर हमारा जितना भी ये राजनीतिक जो एस्टेब्लिशमेंट है, पार्टियाँ हैं, इनके बीच में इन नीतियों को लेकर एक सहमति बनी हुई है कि सरकार कोई भी रहेगी लेकिन यही नीतियाँ चलती रहेंगी। अब उसमें ये था कि, और इन नीतियों के कोर में था, कोर में है श्रम कानून, कि श्रम कानून को कैसे कमज़ोर किया जाए, उनको उसको वो लागू ना किया जाए, जिससे कि एक ये जो LPG की नीतियां हैं, इसके तहत जो वो कहते हैं कि विकास है, विकास की जो बात वो करते हैं, विकास की बात पहले भी हो रही थी, आज फिर हो रही है, है ना। और वो समझते हैं कि विकास के सामने सबसे बड़ा रोड़ा ये श्रम कानून है, श्रम नीतियाँ हैं, ये आपका आपके खुद वर्किंग क्लास है। तो इन सारी पार्टियों के बीच में, कांग्रेस, BJP, इनके बीच में इसको लेके सहमति है, सरकार आपकी हो या ये हो। यहाँ तक आम आदमी पार्टी भी निजीकरण का पक्षधर है, है ना। वो आम आदमी पार्टी के यहाँ रहते हुए हम देख रहे हैं कि दिल्ली में कोई श्रम कानून लागू नहीं हो रहा है, फैक्ट्रियों में आग लग रही है, मजदूर मारे जा रहे हैं। तो इसलिए हम मानते हैं कि इन मामलों में, श्रम कानूनों के मामले में, चाहे कांग्रेस, BJP, हम की अगर आप बात करें, तो तीनों पार्टियों में कोई फर्क हमें नहीं दिखा देता, बल्कि इनके मामले में इनकी एक सहमति है। हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस सरकार जब UPA की सरकार थी, तो वो श्रम कानूनों को लाने की कोशिश करती थी, लेकिन उनको वो अपने मुकाम पे नहीं पहुंचा पाई, उनमें कोई चेंज नहीं कर पाई। एक लगातार मजदूर वर्ग का जो एक दबाव बना रहा, लेकिन ये मोदी सरकार बहुत बहुमत, बड़े बहुमत के साथ आई है। अब वो ये सोचती है कि हमें इतना बड़ा बहुमत मिला है, इसका हम पूरा मौका उठाकर पूरा वर्ग, मजदूर वर्ग के सारे अधिकारों को हम ख़त्म करते हैं। और जैसे कि वो और क्षेत्रों में भी कर रही है, वो अभी आपने देखा किस तरह से प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटीज़ दलित SC/ST एक्ट में किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के रास्ते से उसको कमज़ोर किया गया, और सरकार ने उसमें अपनी पूरी सहमति दी। तो वो जो भी कुछ कानून है वो सब ख़त्म कर रही है, नेशनलाइजेशन ख़त्म कर रही है। कोल सेक्टर में आपने देखा कि उसने
कोल में कमर्शियल माइनिंग की इजाज़त दे दी है, तो कोल जो एक नेशनलाइज्ड सेक्टर, नेशनलाइज्ड वो था कानून के तहत एक नेशनलाइज्ड सेक्टर था, उसको भी वो निजी हाथों में बेच रही है। तो कुल मिला के हम देखते हैं कि एफडीआई आप देख लीजिए किस तरीके से, अब एफडीआई तो की नीति ये सारी पार्टियां सहमत हैं एफडीआई की नीति। अब मोदी सरकार चूंकि अपने को समझती है बहुत प्रचंड बहुमत के साथ आई है, वो उसका पूरा मौका उठा सकती है, तो वो हम तो उसने तो कई क्षेत्रों में 100% एफडीआई घोषित कर दिया, रेलवे है, डिफेंस है, 100% एफडीआई घोषित कर दिया। तो ये कुल मिला के हम कह सकते हैं कि मोदी जो नीतियां पहले से चल रही थी उनको और भी बर्बर ढंग से और भी आक्रामक ढंग से मोदी सरकार लागू कर रही है, और उसके साथ साथ वो अपना एक जो पूरा उनका जो अपना एक कम्युनल एजेंडा है, जो उनका अपना एक आरएसएस का एजेंडा है, वो तो घोषणा किए हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे 2022 तक, तो उसके साथ मिलाकर वो एक जिसे कि हम अपनी भाषा में एक कॉरपोरेट कम्युनल फैसिज्म जिसको हमने बोला है, है ना, एक तरफ से लूट की छूट और दूसरी तरफ से दंगों की छूट, सांप्रदायिक हेट्रेड और तनाव, हेट्रेड जहर फैलाने की छूट, तो ये दोनों चीज़ें ये सरकार कर रही है। और ये मजदूर वर्ग के लिए भी, हम मानते हैं कि मजदूर वर्ग के लिए बहुत खतरनाक है, ये चुनौती है, क्योंकि वो मजदूर वर्ग की एकता को अपने इस एजेंडे के जरिए तोड़ने की कोशिश कर रही है। हाँ राजीव जी, लगातार दमन तो बढ़ ही रहा है, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि मजदूर वर्ग फिर प्रतिरोध की आवाज भी तेज होती जा रही है, और उसमें हम सबसे बड़ा एग्जांपल दे सकते हैं कि पिछले साल जो महापड़ाव हुआ था जहां पर दिल्ली में देश भर से मजदूर आए थे और उन्होंने अपनी आवाज बुलंद करी थी, तो इसको आप किस तरह देखते हैं जो प्रतिरोध बढ़ रहा है? देखिए, मजदूर वर्ग चुपचाप नहीं बैठा है, वो अपने ऊपर जितने हमले चल रहे हैं उनका वो मजबूती से प्रतिरोध कर रहा है, और उसकी शुरुआत एक बड़ी शुरुआत हुई थी 2015 को, 2 सितंबर की एक दिवसीय ऐतिहासिक हड़ताल हुई थी, फिर 2 सितंबर को 2016 में फिर हड़ताल हुई थी, और फिर उसके बाद इस मूवमेंट को एक और नए चरण में ले जाने के लिए 3 दिनों का ऐतिहासिक महापड़ाव संसद के सामने हुआ था 9-10-11 नवंबर को 2017 में, और लाखों मजदूर देश भर से 3 दिन वहाँ लगातार आते रहे, जमते रहे, वहाँ एक तरह की कहिए एक मजदूरों की संसद चलती रही, और इसमें हमने देखा कि महिला श्रमिकों की एक बहुत ही एक जोरदार दावेदारी, एक जो मजबूत भागीदारी हमने देखी, खासकर आखिरी दिन, जबकि आप देखेंगे कि महिला श्रमिक ही महिला श्रमिक दिखाई दे रही थी, और ख़ासकर उसमें जो ये स्कीम वर्कर्स हैं, आशा, आंगनबाड़ी, मिड डे मील, तमाम किस्म के जो ये स्कीम वर्कर जिनको हम कहते हैं, तो और इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोटेस्ट्स आपके हो रहे हैं, मतलब स्टेट लेवल पर विभिन्न सेक्टर्स के मजदूर लड़ रहे हैं, डिफेंस स्ट्राइक पे गया है ना बीच में, अलग से आपके ये क्या कहते हैं कोयला में हड़तालें हुई, स्टील में हुई, फिर हम देख रहे हैं कि ये जो स्कीम वर्कर्स हैं इनकी विभिन्न राज्यों में आए दिन हड़तालें हो रही हैं, है ना, तो ये एक प्रतिरोध जबरदस्त हो रहा है। बंगलौर में हमने देखा गारमेंट वर्कर्स, महिला गारमेंट वर्कर्स ने जबरदस्त लड़ाई लड़ी है ना अपने ये प्रोविडेंट फंड की कटौती के मामले में, तो इस तरीके से ये चारों तरफ प्रतिरोध चल रहा है, और ये प्रतिरोध मैं ये कहूँगा कि ये प्रतिरोध ये एक मजदूर, छात्र, युवा, किसान, दलित, एक सम्मिलित रूप से ये प्रतिरोध पूरे देश की जितनी भी उत्पीड़ित शोषित जनता है वो प्रतिरोध आज खड़ा कर रही है, और इसी कड़ी में खासकर जहाँ तक मजदूर वर्ग का सवाल है, अभी हमने देखा किस तरीके से नासिक से मुंबई तक कितनी ज़बरदस्त किसान यात्रा, जो कि एक बहुत बड़ी जिसने प्रेरणा का स्रोत है जो, तो आगे अब हम लोग जहाँ तक हम ट्रेड यूनियंस हैं, अभी हम लोग होता अभी मई दिवस के बाद किसी समय बैठेंगे हम लोग, और अभी तक जो हम लोगों ने जो अपना पिछला डिक्लेरेशन है हमारा, तो उसके हिसाब से हम लोग अब आने वाले दिनों में एक इंडेफिनेट हड़ताल की तरफ जा सकते हैं। ये हम लोगों ने अपना जो कन्वेंशन हमारा हुआ था
उसमें हम लोगों ने डिक्लेरेशन दिया था कि हम लोग एक चरणबद्ध लड़ाई लड़ते हुए एक इस साल में कभी हम लोग अब इसकी हमने को बातचीत करनी है, इस पर चर्चा करनी है, कैसे कैसे हम इसको डेवलप करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन ये हड़ताल हमारा निर्णय है। आने वाले दिनों में 2019 के जो आम चुनाव हैं उससे पहले वर्किंग क्लास एक ज़बरदस्त कंट्री वाइड एक्शन में जाने के लिए तैयार बैठा हुआ है और उसकी अब हम तैयारियां करेंगे। तो आपने बताया कि किस तरह मजदूर लगातार प्रतिरोध कर रहे हैं, तो मेरा एक और सवाल है यहाँ पर कि इसको राजनीतिक स्वरूप कैसे दिया जाएगा, क्योंकि जैसे आपने बताया अभी 19 में इलेक्शन है, तो मजदूर और बाकी जो तबके हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर कैसे आएंगे, राजनीतिक स्वरूप कैसे दिया जाएगा और इसका राजनीतिक असर किस तरह हम मतलब एक्सपेक्ट करते हैं कि किस तरह होगा। देखिए, हम लोग मानते हैं कि ये वर्किंग मजदूर वर्ग की एक स्वतंत्र दावेदारी को हमें विकसित करना है। ये हम और मजदूर वर्ग ये तमाम ये जो नीतियों के बारे में इन नीतियों को वापस करना है, इन नीतियों से जुड़ी हुई पार्टियों को शिकस्त देना, यह हम मानते हैं कि ये मजदूर वर्ग का टास्क है, कार्यभार है और इसके लिए मजदूर वर्ग को आगे बढ़ाना हमें है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, आज के दौर में फासीवाद को हराना ये मजदूर वर्ग का सबसे बड़ा कार्यभार है। डिफीट फैसिज्म, ये जो फासीवाद पूरे देश भर में जो एक फन उठा रहा है, इसको फन को कुचलना ये आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और इसके लिए कम से कम प्रारंभिक कदम इसका यही हो सकता है, पहला कदम कि मोदी सरकार को 2019 के चुनाव में शिकस्त दी जाए। तमाम किस्म के जो ये जो असेंबली इलेक्शंस उससे पहले हो रहे हैं वहाँ बीजेपी सरकारों को, मोदी सरकार को शिकस्त दी जाए, ये मजदूर वर्ग का एक अभी का फौरी एक एजेंडा है ना, कि मोदी सरकार हटाओ, देश बचाओ। और इसके बाद अगर ये आगे लड़ाई फिर जारी रहेगी, लेकिन आज का ये सबसे इमीडिएट टास्क हम मानते हैं पॉलिटिकल टास्क वर्किंग क्लास का ये है। राजीव जी, न्यूज़ क्लिक से बात करने के लिए आपका शुक्रिया और आप लोग भी देखते रहिए न्यूज़ क्लिक।